सो गैस हम लोग पैदल जा रहे हैं, अभी भी 10 किलोमीटर बाकी है। सो गैस भाई लोगों को देख सकते हो थक चुका है, और इधर बच्चे लोगों को देख सकते हो। सो गैस देख सकते हो इधर है मत वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। सो गैस पहले वाला ब्लॉग में आप लोगों ने बहुत प्यार दिखाया एंड 1.3K व्यूज आ चुका है उसका, उससे प्लस ही है। तो इस बार ब्लॉग में भी आप लोग लाइक कमेंट एंड शेयर जितना हो सके उतना करना। एंड बेसिकली आज हम लोग जाने वाले हैं खाटपीटिया में, खाटपीटिया में डोंडी बॉम होने वाला है, उसी का ब्लॉग बनाने के लिए जा रहे हैं। एक सावन महीने का बोलबम के लास्ट में होता है, तो इस महीने में 5 बोलबम हुआ है। और आज मतलब किसी लोगों का मन्नत होता है, वो लोग मंदिर से होके या फिर किसी लोग घर से डोंडी करते हैं, उसी का ही बेसिकली ब्लॉग होने वाला है। तो पूरा रास्ता मतलब सो सो के डंडी कट करके जाएगा, और उधर मतलब बहुत सारे लोग पानी जूस और मतलब खिचड़ी प्रसाद देता है, उन लोगों को खिलाता है और नहाता भी है, उससे पुण्य मिलता है। उसी का ही हम लोग ब्लॉग बनाने के लिए मैं और रोहित और बिकिदा एंड विशाला जाने वाले हैं, और उधर से मेरा भाई लोग है, तो उधर जाके आप लोगों से मिलते हैं। तो अभी फिलहाल 6 PM हो चुका है, हम लोग 7:30 बजे निकलेंगे, इसलिए मैं इंट्रो जल्दी ही मतलब रिकॉर्ड कर देता हूँ। तो जाके आप लोगों से मिलते हैं, इसलिए एक वीडियो में लाइक कमेंट एंड शेयर जितना उसे कर लेना। और आप लोग मेरा यूट्यूब में सब्सक्राइब करते हो, लेकिन उसके सामने जो बेल आइकन है वो आप लोग क्लिक नहीं करते, नहीं तो आप लोगों को मेरे यूट्यूब वीडियो का नोटिफिकेशन कैसे मिलेगा। और इधर है अर्जा मोबाइल देखा है, तो उधर जाके मिलते हैं। तो गाइस हम लोग इधर खाटपीटी में आ चुके हैं, फाइनली जाके कुछ खा लेते हैं क्योंकि अभी भी डोंडी बम होने में टाइम है, और आप लोगों को आगे का व्यू दिखाते हैं। तो गाइस इधर से स्टार्ट होकर डोंडी बम और इधर लिखा हुआ है और वो वाला मंदिर से। सो गाइस देख सकते हो डेकोरेशन किया हुआ है। इधर का समोसा बहुत ही फेमस है, अगर आप लोग आते हो तो जरूर ट्राई करके देखना। तो हम लोग अभी समोसा एंड चाट खाने वाले है। तो गैस हम लोगों का समोसा आ चुके हैं, जल्दी जल्दी से खा के निकलते हैं। तो गैस मंदिर के ओर जाके आप लोगों को दिखाते हैं अच्छे तरह से। ये है खाटपीटिया का शशान, और उधर है खाटपीटिया का काली मंदिर, हम लोग अभी अंदर जाने वाले हैं। इधर लिखा भी हुआ है, आप लोग पढ़ भी सकते हो। इधर नहाते हैं बेसिकली सभी लोग जाके, क्योंकि इधर ही सब लोग डंडी बम काट के इधर नहाते हैं। तो गाइस अभी जाते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। तो गाइस सब लोग डंडी करके इधर आके नहाने वाले हैं, और बेसिकली मतलब इधर ही नहाते हैं सभी लोग। और मंदिर का व्यू देख सकते हो, और कितना अच्छे से डेकोरेशन किया हुआ है। और गाइस ये है मेन मंदिर, मतलब इधर से डोंडी शुरू होता है और उधर जाके ख़त्म होता है, तो स्टार्टिंग इधर से ही होता है। और ऊपर आप लोग देख सकते हो शिव मंदिर है, उसके ऊपर स्नैक है, और इधर से हम लोग पानी खा लेते हैं, देन आगे जाके मिलते हैं, खिचड़ी खाने वाले हैं अब। सो गाइस बहुत ही गर्म है, और इधर मैं रोहित एंड बिकिदा खा रहे हैं, और विशाल दा आगे चले गए। सो गाइस डंडी बॉम पे आऊँ और बारिश नहीं होए, कभी क्या हो सकता है, तो भीग के देख सकते हो हालत। और बारिश मतलब अभी रुक चुका है, लेकिन अभी भी थोड़ा थोड़ा है। और इधर का बेसिकली है ये बिकिदा, एंड देख सकते हो व्यू। तो गाइस मेरा ड्रेस देख सकते हो आप लोग, पूरा भीग चुका है सभी कुछ, मतलब मार्क्स भी, एंड मार्क्स मेरे पास एक्स्ट्रा था चेंज कर लिया। तो गाइस देख सकते हो सभी लोग डंडी कर रहा है और स्टार्ट हो चुका है, या भी कितना भीड़ है, और थोड़ा देर बाद में तो और ज़्यादा ही भीड़ होगा। बच्चे से बच्चे लोग कर रहा है, मैं भी हो सके तो नेक्स्ट ईयर करने का ट्राई करूँगा। सो गाइस बारिश में भीज के हाल बुरा हो चुका है, और हेयर स्टाइल देख सकते हो कैसा, मतलब
क्या बोलूँ, बुद्धू जैसा लग रहा है मुझे यार। इधर मतलब सिर्फ लड़का कर सकते हैं ऐसा नहीं है, लड़की भी कर रही है, देख सकते हो आप लोग। बहुत भीड़ है, क्या ही बोलूँ, देख सकते हो आप लोग, छाती लेके लोग आ रहा है, कितना भीड़ है देख ही सकते हो। मतलब क्या बोलूँ, जो गाइस मेरे पीछे है बिकिदा एंड रोहित भी ब्लॉग बना रहा है, और विशाल दा आगे चला गया क्योंकि उसे पैदल पैदल आने में प्रॉब्लम हो रहा था और मेरा कपड़े वपड़े सब भीग चुका है। सो गाइस देख सकते हो इधर एक भाई सो गया और बहुत सारे लोग हैं डूड, बहुत सारे। सो गाइस इधर स्टिंग भी फ्री दे रहा है, पहले थोड़ा देर पहले मतलब खरीद के खाया था, अभी फ्री मिल रहा है इसीलिए ले लिया। बस हर डंडी बॉम पे मतलब बारिश होता ही है, जिसलिए रास्ता भीगा हुआ हो और इन लोगों को थोड़ा आराम मिले इसलिए। तो देख सकते हो डूड कितने सारे लोग हैं, और इधर लड़की भी है एंड लड़का भी है एंड छोटे छोटे बच्चे भी है। इधर मतलब गाना बज रहे हैं लेकिन कॉपीराइट क्लेम मिल जाएगा इसलिए मैं म्यूट कर दूंगा गाने को। और इधर मतलब स्पॉन्सर करते हैं सभी लोग जितने भी दुकान होते हैं। सो होप गाइस आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, और इसके पहले वाला वीडियो में भी आप लोगों ने बहुत सारा प्यार एंड लाइक कमेंट किया, इसके लिए थैंक यू सो मच। अभी जेपी भैया ठीक है एंड अभी हम लोगों का कॉलेज का वीडियो आएगा पहले, इसके बाद ये वीडियो आएगा। और आज है 15 अगस्त, अभी रात का हो चुका है आपका मिनिमम 3:30। अभी हम लोग पैदल या फिर गाड़ी से जाने वाला है 15 किलोमीटर। अभी एक हार्ट बीट किया और देख सकते हो इधर का डेकोरेशन कितना अच्छा है एंड आप लोगों को थोड़ा बहुत दिखा देते हैं, इसके बाद का ब्लॉग में यही मिलेगा। सर देख सकते हो इधर है महात्मा गांधी एंड इसके वाला नेक्स्ट ब्लॉग में आपको दिखने को मिलेगा। सो गाइस मैंने बोला था 3:30 बजे है लेकिन 3:30 नहीं 2:30 बजे है, और हम लोगों को अभी तक कोई भी गाड़ी नहीं मिला। अभी हम लोग डिसाइड किए हैं अभी पैदल जाने वाला है क्योंकि घर पे नहीं जा सकते खारपीटी में क्योंकि फ्रेंड लोग नहीं रहेगा, तो पैदल ही जाते हैं कोपाटी 15 किलोमीटर। चलो सो गाइस देख सकते हो हम लोग अभी 1 किलोमीटर आ चुके हैं। पहले सोचा था ये लोग किडिंग कर रहे हैं लेकिन रियली अभी हम लोग 2 किलोमीटर आ चुके हैं, तो पैदल पैदल जाते हैं 15 किलोमीटर। सो गाइस सब लोग देख सकते हो अभी हम लोग 4 किलोमीटर आ चुके हैं, इधर है खारपीटी और हम लोग बूढ़ी गाँव पाने वाले हैं। सो गाइस हम लोग को एक ढाबा खुला मिला और इधर से हम लोग पानी ले लिए, और इधर है हॉस्पिटल। पानी मिला है, देखते हैं अगर प्रॉपर्टी का होगा तो उठ जाएंगे। हम लोग फिलहाल बलगाव आ चुके हैं एंड हालत देख सकते हो डूड पत्ते चार हो गए एंड वीडियो थोड़ा भी स्टेबल नहीं होगा, उसके लिए सॉरी। सो गाइस लकीली हम लोगों को गाड़ी मिल चुका है और हम लोग 10 किलोमीटर तक पैदल आए एक डूड। तो गाइस फाइनली मैं घर पहुंचा और पसीना से हालत देख सकते हो, खारपीटी से हाथ के पैदल आना कोई आम बात नहीं है डूड। एंड टाइम देखो एंड आप लोग मॉर्निंग का इंडिपेंडेंट का कैंप एंड हम लोग कॉलेज का ब्लॉग देखना एंड लाइक प्लीज कर देना, बहुत मुश्किल हुआ है इस वाला ब्लॉग बनाने के लिए। देन आपको टाइम दिखाते हैं, देख ही सकते हो 4 बज गया एंड फिर भी अगर यकीन नहीं होता देख सकते हो पाव खत्म हो चुका है लेकिन ब्रांडेड छूटा इसलिए उतना ज़्यादा नहीं।